यूक्रेन से लौटा कोरबा का छात्र, परिजनों ने ली राहत की सांस, यूक्रेन की आप बीती दास्ता बताई। रूस और यूक्रेन के बीच आपसी तनाव चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर हालात सामान्य नहीं है। दोनों देशों के बीच शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो सफल होता नहीं दिख रहा है। इस वक्त वहां के हालात को देखते हुए लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है, साथ ही वहां पढ़ाई के लिए भारत सहित अन्य देशों के छात्र भी फंसे हुए हैं। फंसे हुए छात्रों में कोरबा के ACCL कर्मी पुत्र भी कल ही यूक्रेन से कोरबा पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि वहां के हालात को देखते हुए सभी कॉलेजों सहित महत्वपूर्ण स्थानों को बंद कर दिया गया है, और उन्होंने क्या कहा यह भी सुने। मैं क्यू में बोगोमोलेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें MBBS का पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, 2 साल हो गया है मेरा ऑलरेडी। देखिए, वैसे तो मतलब डायरेक्ट तो कुछ हमको बोला नहीं गया था कि ऐसा होने वाला है या इस टाइम पे कुछ अटैक वगैरह होने वाला है करके, पर हमको लगा कि अगर वो लोग अगर इतने सोल्जर्स वगैरह बॉर्डर पे हैं तो कुछ तो मतलब होगा, उनका अटैक करने का कुछ तो प्लान होगा करके। इसलिए हम लोग मतलब मैं स्पेशली थोड़ा पहले ही मुझे लगा कि शायद कुछ होने वाला है, तो मैं अगले दिन का ही टिकट बुक करके आ गया। यूक्रेन में देखेंगे तो इंडियंस अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के आसपास तो होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मालूम, पर अप्रॉक्स होंगे 15,000 के आसपास। कोरबा से तो किसी को जानते नहीं, पर्सनली तो नहीं जानता, पर शायद होंगे वहाँ पर। इवैक्यूएशन तो होना चाहिए, वो गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, रशियन गवर्नमेंट से भी बात करने की और यूक्रेनियन गवर्नमेंट से भी बात करने की, तो होप इवैक्यूएशन हो जाएगा कुछ दिनों में, पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इमीडिएट तो होगा नहीं वो। तो और लोग रूट के लिए देख रहे हैं कि किस तरफ से इवैक्यूएशन किया जाए उनको, तो इवैक्यूएशन हुआ। जब मैं वहाँ पर था तब तो मतलब वहाँ के सिटीजन्स वगैरह भी ज़्यादा मतलब कोई पैनिक नहीं था, कुछ नहीं था, यूनिवर्सिटी भी नॉर्मली चल रहा था। हम लोग को यूनिवर्सिटी की तरफ से बोल दिया गया था कि अगर तुम जाना चाहते हो और जा पा रहे हो तो तुम जा सकते हो, जो लोग यहाँ पर नहीं है उनके लिए ऑनलाइन होगा, जो यहाँ पर है उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगे करके। और अभी अभी क्या है कि और आगे का क्या होगा कुछ पता नहीं है, मतलब कब तक बंद रहेगा क्या है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। हाँ, अगर सब नॉर्मल हो जाएगा और सब ठीक है तो ऑफलाइन जा सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ तो हमारा हॉस्पिटल रोटेशन वगैरह बहुत होता है हर सब्जेक्ट में, तो अगर ऑफलाइन मतलब वो लोग बुलाएंगे और सब सिचुएशन ठीक रहेगा तो मैं पक्का जाना चाहूँगा ऑफलाइन के लिए। वही छात्र की मां ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार को वहां फंसे हुए छात्रों को जल्द से जल्द सकुशल उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। मन में ये था कि मतलब बहुत डर था कि बच्चे वहां हैं और उन लोग हेल्पलेस है, कैसे उन लोग वापस आ जाए यहां। तो किसी भी तरह से पहले जो बुक कर लिया अपने से उन लोग आ पा रहे हैं, लेकिन जो फंस गए हैं उन लोग लास्ट मोमेंट पे, जो एक दो दिन और रुक के देखेंगे करके सोचे उन लोग बुक किए, एयरपोर्ट तक कुछ लोग आए वापस चले गए, और अभी और है तो उन लोग को किसी भी तरह से गवर्नमेंट ले आए वापस। दिमाग में वही था कि किसी भी तरह से बच्चा आ जाए, लेकिन ये था कि हम लोग फोन में कॉन्टेक्ट कर रहे थे तो वहां से निकल गया वो तो मालूम था, तो सेफ है करके अभी तो बहुत रिलीफ है। यही कि बच्चे जो भी है वहाँ पे, जो भी इंडियन सिटीजन है, उन लोग को सही सलामत वापस किसी भी तरह से ले आए। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट।